आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन ने पूछा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ मैग्नीफिकेशन ऑफ 30। द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस इज 5 सेंटीमीटर। Assuming that the final image is formed at least distance of distinct vision, that is equal to 25 cm, calculate the magnification produced by the objective. So, हमें ऑब्जेक्टिव के से जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले तो देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू -30, और एफ फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर। जो मैग्नीफिकेशन होगा फॉर द आई पीस वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल D अपॉन Fe, यानी कि 1 प्लस 25 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं हमारा मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू m ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू m ऑफ आईपीस। सो टोटल मैग्नीफिकेशन इज -30 एंड दैट इज इक्वल टू m ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू m ऑफ आईपीस। तो m ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, -30 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू -5। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।